भिवंडी शहर के प्रसिद्ध समाज सेवक एडवोकेट कल्पेश ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों को बांटी गई कंबल। विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी के ठाकरा के पाड़ा ग्राम पंचायत के रहने वाले समाज सेवक व एडवोकेट कल्पेश ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर ठाकरा के पाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आदिवासी पाड़ा में लगभग सैकड़ों आदिवासी जो वहाँ पर लोग थे उन सभी लोगों को कंबल वितरण किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूर्व नगर सेवक व धर्मराजा ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश चौधरी, उनके साथ में धर्मराजा ग्रुप के सदस्य और साथ ही साथ आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मार्केट समिति के सदस्य नितेश एंकर, साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्राम पंचायत ठाकरा चपाड़ा के सदस्य कपिल एंकर भी मौजूद थे। इन सभी के हाथों से जो आदिवासी पाड़ा में रहवासी थे उन सभी रहवासियों को कंबल वितरण किया गया। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एडवोकेट कल्पेश ठाकुर के हाथों से फुटपाथ पर रहर बसेरा करने वाले सभी जरूरतमंदों को भी कंबल वितरण किया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि कल्पेश ठाकुर का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से जो है कई जगहों पर सामाजिक कार्य करके मनाया गया। वहीं पर हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी के ठाकराचा पाड़ा की, जहां पर ग्राम पंचायत के हद में जो आदिवासी पाड़ा है वहां के सभी आदिवासियों को जो जरूरतमंद थे उन सभी लोगों को सैकड़ों की संख्या में कंबल वितरण कर अपना जन्मदिन मनाया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूर्व नगर सेवक नीलेश चौधरी, समाज सेवक नितेश एंकर, उनके साथ में ठाकराचा पाड़ा ग्राम पंचायत के सदस्य कपिल एंकर भी मौजूद थे। सभी लोगों ने अपने वक्तव्य में जन्मदिन की बधाई देते हुए कल्पेश ठाकुर को क्या कहा ये सुनते हैं। पहला मेरा छोटा भाई एडवोकेट कल्पेश ठाकुर जी का जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन के ऊपर मैं मेरे परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और धर्मराजा ग्रुप के वजह से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो उन्होंने कार्य किया है, इस कार्य को पहले तो मैं सलाम करता हूँ कि गरीबों के ऊपर उन्होंने जो कार्य किया है। आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में लॉकडाउन जब आया था तब इसी आदिवासी पाड़े से हम लोग ने शुरुआत की थी और वो बड़े पैमाने पे ऊपर हमने पूरे ठाणा जिला के अंदर लॉकडाउन में काम किया था। तो उसी तरह आज कल्पेश ठाकुर जी का जन्मदिन है और उन्होंने यहाँ पर जो कार्य किया है इस कार्य को सलाम है। ऐसा ही कार्य वो आगे भी करते रहे, जब भी ज़रूरत रहेगी हम लोग उनके लिए तन मन धन से उनके साथ में रहेंगे और ये जो उन्होंने कार्य किया है इसे उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा और उनको आगे की उन्नति के लिए मैं शुभेच्छा भी देता हूँ और उनको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। आज माझा छोटा भाऊ कल्पेश ॲडवोकेट कल्पेश साईनाथ ठाकूर यांचा आज वाढदिवस आहे। आज माझ्या आणि माझ्या परिवारातर्फे आणि माझ्या धर्मराजा ग्रुपतर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। त्यावी असाच कार्य करत राहू। आज ठाकराच्या पाड्यामध्ये कुठला सुखाचा काम असो, दुःखाचा काम असो, ते हाक दिली का त्या हाकेला ते जरूर धावून येतात आणि लोकांच्या समस्या, आज इथल्या आदिवासी पाड्यातला काही काम असो, ते आदिवासी पाड्यातले सर्व लोक पूर्ण त्यांच्याकडे येतात आणि ते त्यांच्याकडे काम दिल्यानंतर ते पूर्णपणे सॉल्व करून देतात। मी आणखी त्यांना एकदा शुभेच्छा देन का तुम्ही असंच काम करत जा आणि आणखी नावलौकिक करत जा, एवढीच मी त्यांना शुभेच्छा देतो। सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और जिस तरह से आपके जन्मदिन पर अच्छी एक सामाजिक कार्य की शुरुआत की गई है और कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। आमच्या धर्मराजा ग्रुपच्या माध्यमातून काल रात्री 12 वाजेपासून आम्ही भिवंडी शहरातील विविध ठिकाणी फुटपाथवर बेसहारा गरजू लोकांना ब्लँकेट वाटप करून त्यांचा आशीर्वाद घेतला। धर्मराजा ग्रुपच्या माध्यमातून आज आम्ही ठाकरादाबाडा येथील आदिवासी पाडा येथे ब्लँकेट वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। तर मी धर्मराजा ग्रुपचे अध्यक्ष नीलेश चौधरी साहेब यांचे आभार मानतो, तसेच धर्मराजा ग्रुपचे सदस्य आहेत सर्वांचे मी आभार मानतो।